नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेलवास-AM टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, टेलवास-AM टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और टेलवास-AM टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टेलवास-AM टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में टेलवास-AM टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। टेलवास-AM टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। टेलवास-AM टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन टेलमिसार्टन और एम्लोडिपिन होता है। टेलवास-AM टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए टेलवास-AM टैबलेट का उपयोग किया जाता है। टेलवास-AM टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के रिस्क को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का रिस्क अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आँखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि टेलवास-AM टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टेलवास-AM टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में टेलवास-AM टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द, शरीर में थकान होना, उल्टी आने का मन होना, हाथों व पैरों में सूजन, पेट में दर्द, चक्कर आना, घबराहट, दस्त और नींद अधिक आना आदि साइड इफेक्ट्स टेलवास-AM टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि टेलवास-AM टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको टेलवास-AM टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि टेलवास-AM टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। टेलवास-AM टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर टेलवास-AM टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। टेलवास-AM टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको टेलवास-AM टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना टेलवास-AM टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं टेलवास-AM टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए टेलवास-AM टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टेलवास-AM टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टेलवास-AM टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टेलवास-AM टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।